समर्पित है। सरकारी चीजों का दुरुपयोग करने वाले उन अफसरों के नाम जिनके निजी स्वार्थ ने हमें ये एपिसोड बनाने के लिए प्रेरित किया। प्रीति, मैं बचपन से एक सपना देखा करता था, पढ़ लिखकर बड़ा होऊंगा, मेरी नौकरी लगेगी, मेरी शादी होगी और अपनी सुंदर सी बीवी को मैं सरकारी गाड़ी में बिठाकर सैर करवाने लेकर जाया करूंगा। प्रीति, आज मेरा सपना साकार हो गया है। सर, ऐसा है कि आधे दिन की छुट्टी चाहिए। मेरे ब्रदर इन लॉ का लड़का गुम हो गया है सर। देखो भाई, मुझे इस तरह के बहाने बिल्कुल पसंद नहीं। कल मैं हेड ऑफिस गया था, वहाँ लोग इतने बढ़िया बहाने लगाते हैं कि दो दिन की छुट्टी दो मिनट में मिल जाती है, और आपके पास वही चार घिसे पिटे बहाने। सर, मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये बहाना नहीं है सर। मेरी बीवी के भाई का लड़का वाकई गुम हो गया है सर। तो तुम उसे कैसे ढूंढोगे भाई? दफ्तर में एक फाइल तो तुमसे ढूंढी नहीं जाती, शहर में बच्चा कैसे ढूंढ लोगे? पुलिस को इतला करो, ये उनका काम है। देखिए सर, मेरी बीवी के भाई का लड़का है, मेरा भी तो कुछ फर्ज है ना सर। मिस्टर भंडारी, 3 बजे दफ्तर में टेंडर्स खुलने हैं, वहाँ भी आपका कुछ फर्ज है। लेकिन सर, वो टेंडर्स तो मैं वो लेकिन कुछ नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टाफ दफ्तर के टाइम में इधर उधर घूमे। आप टेंडर्स की तैयारी करें, मैं SP साहब को फोन कर देता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मदद करेंगे। हेलो साहब, मैं राम सेवक बोल रहा हूँ, अपना जैकी पता नहीं कहाँ गुम हो गया। क्या, जैकी गुम हो गया? और ढूंढो भाई, इधर उधर होगा कहीं। साहब बहुत ढूंढा, पता नहीं कहाँ चला गया। ओ यार, बड़े लापरवाह आदमी हो, तुम्हें कितनी बार कहा कि जैकी को बांध के रखा करो। साहब जी, सुबह से तो बांध के रखा था, वो तो जरा जंगल पानी के लिए छोड़ा था जी, वापस ही नहीं आया। ठीक है, मैं भेजता हूँ दफ्तर से किसी को, तब तक तुम दूरबीन लेके छत पे खड़े रहो। मिस्टर भंडारी। यस सर। आप हमारे कुत्ते जैकी को पहचानते हैं? सर, मैं तो आपके घर के चूहे तक को पहचानता हूँ सर। वो क्या है कि जैकी कहीं गुम हो गया। ओह, तो सर आप पुलिस को फोन कर देना, SP साहब आपके दोस्त हैं, आपकी मदद करेंगे। नहीं नहीं, जैकी शरीफ कुत्ता है, उसे पुलिस की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। आप ऐसा करें कि मेरी गाड़ी ले जाएं और राम सेवक को साथ लेकर कुत्ते को ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन सर, गाड़ी तो मैडम दिल्ली लेकर गई हुई है। गाड़ी मैडम दिल्ली लेकर नहीं गई, वो तो ड्राइवर वैसे ही जरा टूर पे जा रहा था, गाड़ी खाली थी, मैडम साथ चली गई। एग्जैक्टली, मेरा मतलब भी वही था सर कि गाड़ी अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो फिर आप कोई टैक्सी कर लें, जो भी कोई बिल होगा बना लेना। ठीक है सर, स्टेशनरी का बना लूंगा। हाँ, जरा जल्दी करें, अगर कुत्ते को कुछ हो गया ना मैं घर का रहूंगा ना घाट का। लेकिन सर, फिर वो टेंडर्स कौन खुलवाएगा? वो तब तक मिस्टर शर्मा आ जाएंगे, वो जरा गैस का सिलेंडर छोड़ने गए हैं घर तक, हम देख लेंगे टेंडर्स। आप जाइए जाइए, जल्दी जी, जल्दी। बड़ी देर कर दी भैया, आपका इंतजार कर करके अभी गए हैं। अरे क्या करूं सुधा, दफ्तर की गाड़ी मिली नहीं, ये टैक्सी ढूंढी तब आया। अच्छा, अब आप जल्दी करें, बिट्टू के मामा और चाचा को इत्तला करनी है और उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन भी जाना है। देखो सुधा, ये गाड़ी मैंने बिट्टू को ढूंढने के लिए नहीं, अपने MD के कुत्ते को ढूंढने के लिए ली है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे MD साहब का कुत्ता खो गया है और ऑफिस वालों ने मुझे ये टैक्सी इसी काम के लिए करके दी है। इसका मतलब आप बिट्टू को ढूंढने नहीं जाएंगे? देखो सुधा, जब मैं कुत्ते को ढूंढने जाऊंगा तो बिट्टू के बारे में लोगों से पूछता रहूंगा। जी नहीं, आप बिट्टू को ढूंढने जाइए और कुत्ते के बारे में लोगों से वैसे ही पूछते रहिए। ठीक है ठीक है।
सर सर, मैं जनाब की कोठी गैस का सिलेंडर छोड़ने गया तो पता लगा जनाब का कुत्ता खो गया। क्या बताऊं मिस्टर शर्मा, मैं तो सुबह से ही बड़ा परेशान हूं। जब भी कोई फाइल उठाता हूं, कुत्ते का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। सर जनाब की परेशानी हमारी परेशानी है, आप हुक्म करें हम पत्ता पत्ता छान मारेंगे। भेजा है मैंने मिस्टर भंडारी को, गया बेचारा टैक्सी करके। सर मिस्टर भंडारी पे आपने विश्वास कैसे कर लिया? सर वो तो टैक्सी लेके अपने बच्चों को जू घुमाने ले गया होगा। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। सर उसकी आदत है सर। अगर मुझे पता चल गया कि उसने टैक्सी का मिसयूज किया, मैं टैक्सी के पैसे उसकी तनख्वाह से काट लूंगा और रजिस्टर में उसकी एब्सेंट लगा दूंगा। सर अगर आप कहें तो मैं कोशिश करके देखूं। आप पहचानते हैं हमारे जैकी को? कैसी बात कर रहे हैं सर, मुझे तो जैकी ने खुद अपने दांतों से दो दफा काटा है। सर ये निशान देखिए, कितने प्यारे निशान है मेरे हाथ पे। ठीक है, फिर अगर जैकी मिल जाए तो दूसरे हाथ पे भी कटवा लेना और निशान मिला लेना। मैं टूथप्रिंट्स मिला लूंगा सर, लेकिन टेंडर्स का क्या करना है? टेंडर्स फिर खोल लेंगे यार, बहुत मेंटल टेंशन है, पोस्टपोन कर दो। लो जी, टेंडर्स तो पोस्टपोन हो गए। भाई ये तो घर का ही राज हुआ, जब मर्जी टेंडर खोल दो, जब मर्जी पोस्टपोन कर दो। मुझे तो लगता है एमडी किसी खास पार्टी में इंटरेस्टेड है, पार्टी टेंडर्स भर नहीं सकी, पोस्टपोन कर दिया। हाँ हो सकता है कोई चक्कर हो, ये ऑर्डर किसी और ही पार्टी को जाना हो। नहीं नहीं, ऑर्डर किसी और पार्टी को जा ही नहीं सकता। क्यों भाई? अपने एमडी साहब बड़े ईमानदार आदमी है, एक बार जिससे एडवांस पकड़ ले ऑर्डर उसी को जाता है। इसका मतलब वो एडवांस आप ही से लिया है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है हो सकता है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो। हाँ हाँ क्यों नहीं। हेलो सर, मैं भंडारी बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलो भाई, क्या प्रोग्रेस है, पता चला कुछ? सर कांग्रेचुलेशंस, भगवान का शुक्र है सर। अच्छा जैकी मिल गया? नहीं सर, बिट्टू मिल गया, मेरे ब्रदर इन लॉ का लड़का सर। शट अप, नालायक, इररिस्पॉन्सिबल, कामचोर, दफर, दिमाग ही नहीं चलता। सर ऐसा है जी कि मैंने कोशिश की थी ढूंढने की, लेकिन वो तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे ऑफिस की प्रॉब्लम्स में अपनी घरेलू प्रॉब्लम्स मिक्स ना किया करो। प्रॉब्लम ही ऐसी थी तो मैं जा रहा हूं जैकी को ढूंढने, और जब तक जैकी ना मिल जाए अपना कोई रिश्तेदार गुम ना होने देना। एक घंटा हो गया दिल्ली का नंबर ही नहीं मिल रहा। सर लगता है मिल गया, घंटी तो जा रही है। हेलो प्रीति जी है, बोल रही है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, सर बात करें। हेलो प्रीति, हाँ मैं बोल रहा हूँ मैं। हाँ जसपाल जी, पहचान लिया, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो क्या कि हाँ हाँ बोलो क्या बात है? वो क्या कि जैकी का सुबह से पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। क्या जैकी गुम हो गया? नहीं नहीं गुम नहीं, हो सकता है इधर उधर चला गया हो, शायद वापस आ जाए। मुझे पहले ही पता था, इससे अच्छा तो मैं उसे अपने साथ ले आती। तुम घबराओ नहीं प्रीति, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, हमारा सारा स्टाफ लगा हुआ है। अगर जैकी को कुछ हो गया ना तो मैं दफ्तर से रिजाइन कर दूंगा, वो एमडी क्या जिसका स्टाफ उसके कुत्ते का ख्याल ना रख सके। ठीक है, लेकिन मुझे हर 15 मिनट बाद फोन करके बताओ कि क्या प्रोग्रेस है। तुम फिक्र ना करो प्रीति, मेरे दफ्तर के आदमी शहर का कुत्ता कुत्ता छान मारेंगे। मैडम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सिविल लाइंस डिफेंस एरिया मॉडल टाउन और गांधीनगर में एक गली देख ली गई है, लेकिन कुत्ते का कुछ पता नहीं चला। कौन से कुत्ते का? जैकी का मैडम। तुम्हें जैकी को कुत्ता कहते शर्म नहीं आती? सॉरी मैडम, मेरा मतलब है कि जैकी जी का भी कुछ पता नहीं चला। मिस रीटा बड़े शर्म की बात है। हमें खुद बड़ी शर्म आ रही है मैडम, बट डोंट वरी, वी आर ऑन द जॉब। शक्ल तो मिलती है। जैकी 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 कुर 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 जैक। कहिए भाई साहब, किससे मिलना है? भाई साहब ये कुत्ता काटता तो नहीं ना? हमने भी आज ही खरीदा है,
आप अंदर आ जाएं, ट्राई भी हो जाएगी, काटता है कि नहीं। नहीं नहीं, फिर तो मैं यहीं से बात कर लेता हूँ। आपने कहाँ से खरीदा इसे? आपको मतलब? देखिए, मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि बिल्कुल इसी शक्ल का ये कुत्ता हमारे एमडी साहब का खो गया है। आप जरा प्लीज इसकी रसीद दिखाएंगे। रसीद? रसीद का क्या मतलब? हमने को कुत्ता कस्टम से क्लियर करवाया है भाई, बाजार से खरीदा है। नहीं, फिर भी कोई ना कोई कागज तो इसका आपके पास होगा ही। आप यहाँ से जाते हैं या कुत्ता खोलू? जाता हूँ भाई, जाता हूँ। हाँ राम सेवक। हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। भाई पता चला कुछ जैकी का? बाहर देखो, शायद वापस आ गया हो। साहब जी, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा ये शेर वेर मुझे मत सुनाया करो। साहब जी, ऐसे मौके पे चुटकुला तो अच्छा नहीं लगता ना। बकवास बंद करो और ये बताओ कि शर्मा जी तो नहीं इधर आए? शर्मा जी तो नहीं आए जी, एक ठेकेदार साहब आए थे। क्या कह रहे थे? वो छह कुत्ते बांध गए जी। छह कुत्ते? हाँ जी, कह रहे थे ये एक छोटी सी भेंट है, और कह रहे थे साहब से कहना हमारे कोई वो टेंडर का ख्याल रखें जी। करप्शन का लेवल भी कितना गिर गया। मैं भी यही सोच रहा हूँ साहब। मैं तुमसे नहीं कह रहा। अच्छा जी, तो फिर मैं फोन रख दूँ? हाँ रख दो रख दो। एक तो शर्मा पता नहीं कहाँ मर गया, पता नहीं कहाँ ढूंढ रहा है कुत्ते को। भाई, इस कुत्ते की कुंडली के मुताबिक तो ये कुत्ता मिलना असंभव है। इसका मतलब मेरी प्रमोशन भी असंभव है। महाराज, किसी तरह ये कुत्ता ढूंढवा दीजिए, मैं जिंदगी भर आपके चरण धो धो के पीऊं। वैसे चरण धोए हुए कितने दिन हो गए आपको? चा? अब मेरा मतलब है कुत्ते का कुछ पता ही नहीं लग रहा महाराज, किस तरफ गया है। मेरे हिसाब से कुत्ता सीधे दक्षिण दिशा की तरफ गया है। क्यों महाराज? लोग मीट खा के हड्डियां उस तरफ फेंकते, वहां किसी बस या ट्रक के नीचे आकर कुत्ते ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? हाँ बच्चा, कुत्ता अपने मालिक की आदतों से काफी तंग था। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी, कुत्ते के मालिक तो उसको बहुत चाहते थे। नहीं बच्चा, कुत्ते ने खुदकुशी मालिक से दुखी होकर ही की है। मिस्टर शर्मा, ज्योतिषी की बात सही भी हो सकती है। मैंने सुबह जैकी को गुस्से में चप्पल मारी थी। सर, ज्योतिषी बहुत इंटेलिजेंट है, 200 रुपए तो उसकी फीस है। खैर, फीस की आप फिक्र ना करें, कोई ना कोई बिल बना लेना, लेकिन ये बात मेरी बीवी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं सर, वो जैकी का बड़ा ख्याल रखती थी। सर, जैकी था भी बहुत प्यारा। सर, कई बार तो सर्दियों में वो मेरा कंबल उठा के जैकी पे डाल देती थी। मैं चाहे सर्दी में सिकुड़ता रहूं, लेकिन उसने जैकी को कभी सिकुड़ने नहीं दिया। सब कर्मों का फल है सर। एक बार तो मिस्टर शर्मा ऐसे हुआ कि मैंने जैकी को उठाया हुआ था, सीढ़ियों से फिसल गया। प्रीति ने आवाज़ सुनी, भागी भागी आई। आते ही उसने जैकी को उठा लिया, उसे गरम गरम दूध पिलाया, हॉट वाटर बॉटल रख के दी। और आप सर? मैं तो खैर 10-15 मिनट के बाद जब होश आया तो अपने आप ही उठ गया था। सर, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मिस्टर भंडारी टाइम पे पहुंच जाते तो आज जैकी जिंदा मिलता। खैर, अगर जैकी मर भी चुका तो उसकी लाश जरूर मिलनी चाहिए। लाश? सर, सर मेरा ख्याल है लाश रहने नहीं सर, मैडम लाश देख के और परेशान होंगी। वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे दफ्तरों वाले क्या सोचेंगे? इतने बड़े दफ्तर का MD है, कार है, जीप है, इतना स्टाफ है, और अपने कुत्ते की लाश तक नहीं ढूंढ सका। सर, अगर दफ्तर की प्रेस्टीज का सवाल है तो मैं प्रण करता हूं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक लाश नहीं मिल जाती। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। और जाने से पहले जरा स्टेनो को भेज देना, मैं मिस्टर भंडारी का सस्पेंशन लेटर लिखवा ही दूंगा। सर, लेकिन चार्जेस? सर, चार्जेस नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, उसी की वजह से टेंडर्स पोस्टपोन हुए हैं। यू आर राइट सर। मिस्टर खन्ना, MD साहब की बेबी सुबह की फ्लाइट से दिल्ली से आ रही हैं, आपने उनको रिसीव करने जाना है, और जो गाड़ी वह दिल्ली ले गई थी वो वापस मंगवानी। सर आप फिक्र ना करें, मैं फ्लाइट से 2 घंटे पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा। ओके। हाँ जी सर, लाश मिल गई है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उसकी शक्ल बहुत बिगड़ चुकी है। ओह, इसका मतलब ज्योतिषी ठीक ही कहता था। सर, ज्योतिषी का कहा गलत हो ही नहीं सकता, कुत्ते ने बस के नीचे आकर खुदकुशी की है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि खुदकुशी शब्द का इस्तेमाल ना किया करो, अगर मेरी बीवी को पता चल गया तो। आई एम सॉरी सर। ठीक है, अब आप ऐसे करें कि लाश को किसी बढ़िया से कपड़े में बैठकर घर ले आएं, और खन्ना से कहना कि बर्फ की सिली का इंतजाम भी करें। बर्फ सर? हाँ, जब तक प्रीति नहीं आ जाती हमें इंतजार करना होगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। सुनो, आप तो कह रहे थे कि MD साहब का कुत्ता सफेद रंग का है, और जो लाश आपने बाहर बोरी में रखी है वो काले कुत्ते की है। भाई क्या करूं, मैंने सारा शहर छान मारा, सिर्फ 3 मरे हुए कुत्ते मिले और तीनों काले। फिर क्या, इसे 1-1.5 घंटा सफेद पेंट में रखेंगे, अपने आप सफेद हो जाएगा? नहीं नहीं, अगर पकड़े गए तो? अरे नहीं पकड़े जाते, वहां रोने धोने में किसी को खाक पता लगेगा, मैं संभाल लूंगा बस। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है,
यही तो इम्तिहान की घड़ी है। जरा सोचो, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो भंडारी सस्पेंड और मैं उसकी जगह डिप्टी मैनेजर। एक और बुरी खबर है सुधा, जैकी मर गया है और इल्जाम मुझ पे आया है। आप पे इल्जाम? हाँ सुधा, सारे ऑफिस में यही चर्चा है कि मैं अपने ब्रदर इन लॉ का लड़का ढूंढता रहा और जैकी बस के नीचे आके मर गया। ये जरूर किसी की साजिश है भाई। हो सकता है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरा एमडी तो नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी की वजह से मुझे सस्पेंड कर रहा है। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो अब कोई रास्ता नजर नहीं आता। एक रास्ता है। वो क्या? आप बिल्कुल वैसा ही कुत्ता खरीद कर उन्हें प्रेजेंट कर दें। भाई लेकिन उन्हें तो जैकी का काम है। भाई हो सकता है बिल्कुल वैसा ही कुत्ता देखकर उनका दिल बहल जाए और आपकी नौकरी बच जाए। अरे मिसेस वोरा। हेलो मिसेस जहानी। आप एमडी साहब के कुत्ते का अफसोस कर आई? हाँ, मैं तो सुबह ही हो आई थी। वैसे एमडी साहब की मिसेस का तो बहुत बुरा हाल है, वो तो बेचारी चुप सी हो गई हैं। वहाँ काफी रश था। मिसेस रेहानी आप बिलीव नहीं करेंगी, वहाँ तो सारा का सारा दफ्तर पहुँचा हुआ था और मिसेस शर्मा वो तो इस तरह मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी कि मैं बता नहीं सकती। अरे तो कौन सी नई बात है, उसकी तो आदत ही ऐसी है। याद नहीं लास्ट ईयर जब एमडी साहब की बिल्ली की डेथ हुई थी तब भी रोने में वही तो सबसे आगे थी। वैसे मिसेस शर्मा को रोने की प्रैक्टिस बहुत है। कॉलेज में भी तो ड्रामा क्लब की प्रेसिडेंट थी। चलो जी, जो भी है अफसोस करने तो मुझे भी जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल, आपके हस्बैंड का तो प्रमोशन भी ड्यू है। भाई मैं ये कुत्ता आपको कैसे दे दूं? मैंने इसे 500 रुपए में खरीदा है। लेकिन भाई साहब, मैं इसके लिए आपको 1500 रुपए तक देने को तैयार हूँ। 1500 रुपए? दो ही दिन में कुत्ते की कीमत 3 गुना बढ़ गई। मैं सोच रहा हूँ आदमी को प्रॉपर्टी के बजाय कुत्तों में इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई साहब फिर मैं सौदा पक्का समझूं? हाँ, 1500 रुपए ले आए और कुत्ता खोल कर ले जाए। थैंक यू भाई साहब। शर्मा जी। यस प्लीज। बर्फ और तो नहीं मंगवानी? नहीं नहीं, बर्फ बहुत आ गई। सर देख ले कहीं काम ना हो जाए। भाई कुत्ते के लिए तो बहुत है, अब शरबत तो बनाना नहीं। मिस्टर शर्मा। यस सर। मैंने देखा है कुत्ते का रंग बदल रहा है। क्या सर? जैसे ही हमने जैकी को बर्फ पे डाला वो तो काला होना शुरू हो गया। सर एक्चुअली कुछ कुत्ते होते हैं ऐसी नस्ल के सर, वो मरने के बाद थोड़ा रंग छोड़ते हैं। अच्छा अच्छा, वो काफी बढ़िया नस्ल का था सर। वो तो स्पेशल इटालियन ब्रीड है सर। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा था कि ऐसे कुत्तों को मरने के बाद किसी कंबल में लपेट देना चाहिए सर, ज्यादा देखना नहीं चाहिए इन्हें, आंखों पे बुरा असर होता होगा। यस सर। मैंने देखा आपकी जनरल नॉलेज काफी अच्छी है। कीप इट अप। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से इन्हें कुछ खा लेना चाहिए। भूख कहाँ लगती है ऐसे मौकों पर। पिंकी स्कूल से आई थी, उसे खाना वाना खिलाकर अपने लिए परोस ही रही थी कि जैकी की खबर सुनी। बस मेरा तो सारा खाना वहीं का वहीं धरा रह गया। अरे मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ। मुझे जब पता चला मैं तो नंगे पांव ही भागी चली आई। मेरे तो सैंडल्स भी बाद में वोहरा साहब उठाकर लाए। भाई शर्मा साहब का भी यही हाल है। जब से उन्हें जैकी के बारे में पता चला है उन्होंने पानी तक नहीं पिया। वो तो शुरू से ही जैकी को बहुत प्यार करते थे। उसके हर जन्मदिन पर घुंघरू वाला पट्टा लाकर देते। भाई सच्ची बात है, हमें तो बहुत सदमा लगा। हाँ सदमा तो लगता ही है। अब देखो ना, मिसेस भट्टी बेचारी की तो जुबान ही चली गई। डॉक्टर साहब वैसे तो बड़ी खुशी की बात है कि प्रीति की जुबान बंद हो गई है, लेकिन क्या है कि मुझे उसके बोलने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि मैं अचानक इतनी शांति सहार नहीं सकूंगा। घबराइए नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप अगर बिल्कुल जैकी की शक्ल का कुत्ता अरेंज कर ले तो हो सकता है उसे देख के ये कुछ बोले। लेकिन डॉक्टर साहब जैकी जैसा कुत्ता कहाँ मिलेगा, वो तो बड़ी रेयर ब्रीड थी। यस सर, एक बार उसने मुझे काटा, मेरे पेट में 14 इंजेक्शन लगे, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। क्या ब्रीड थी सर। साहब आपसे भंडारी साहब मिलने आए हैं। भंडारी, वो यहाँ क्या करने आ गया? हाँ भी क्या बात है? सर मैं ये जैकी। अरे ये तो जैकी है। जैकी क्या? जैकी मिल गया। जैकी मिल गया। जैकी जिंदा है।
और प्रीति देखो जैकी जिंदा है। सर मुझे माफ कर दे सर, सर मुझे माफ कर दे। शर्मा आपने मुझे धोखा देने की कोशिश की, मैं भी कहूँ कि कुत्ते का रंग कैसे बदल रहा है। सॉरी सर। मिस्टर भंडारी। यस सर। आप कल से सीनियर डिप्टी मैनेजर। थैंक यू सर। और मिस रीटा। यस सर। आपने जो मिस्टर भंडारी का सस्पेंशन लेटर लिखा था उस पे मिस्टर शर्मा का नाम भर दें। ये दफ्तर है बेईमानों का, हैवानों का, शैतानों का, इस दफ्तर का यारो, इस दफ्तर का यारो क्या कहना, यहाँ बॉस का रोब पड़े सहना। की बीवी कारों में खड़ा, बाकी स्टाफ कतारों में, यहाँ सोते हैं बाबू, यहाँ सोते हैं बाबू, सुस्ती में कर घर के काम व चुस्ती में। मिनटों में औरों की बदली सेकंडों में, यहाँ काम की कीमत, यहाँ काम की कीमत जीरो है, यहाँ बॉस का चमचा हीरो है।